कड़ी पकौड़ा तो तकरीबन सभी घरों में बनता है लेकिन आज हम बनाने वाले हैं कड़ी की एक न्यू वेरिएशन कड़ी गोश्त बहुत ही आसान सिंपल लेकिन बहुत मज़े की रेसिपी है अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ सादिया उज़ैर वेलकम बैक टू तो सादिया उज़ैर किचन रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा बिसमान रहिम तो कड़ी गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पाँच सौ ग्राम यानी कि आधा किलो फुल फ़ैट दही लिया है इसको हम इस तरह से एक विस्क की मदद से बीट कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए बीट करने के लिए यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक बीटर या ब्लेंडर जिसमें हम मिल्कशेक वगैरह बनाते हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसके अलावा कड़ी बनाने के लिए आप थोड़ा सा खट्टा दही लें अगर दही मीठा और फ्रेश है तो फिर आप उसको एक दिन के लिए फ्रिज में रख दें ताकि वो थोड़ा सा खट्टा हो जाए एक दिन पुराने दही का इस्तेमाल करें तो दही अच्छे से बीट हो गया है अब इसमें शामिल करेंगे आधा कप बेसन अगर हम इसको वेट में मेजर करें तो इसका वेट एटी ग्राम है इसको भी हम इसी तरह से बिस्क की मदद से दही में मिक्स कर लेंगे तो देखिए बेसन कितने अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है बस इसमें कोई भी बेसन की गुटली ना रहे अब साथ ही इसमें शामिल करेंगे डेढ़ लीटर पानी और इसे भी मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर बेसन पानी और दही का एक पतला सा मिक्सचर तैयार हो गया है इसको अभी हम साइड पर रख देंगे और अगले स्टेप में यहाँ पर हम पैन में डालेंगे आधा कप ऑयल मीडियम फ्लेम ऑन कर देंगे और जब तेल गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें शामिल कर देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज इस तरह से स्लाइस करके और साथ ही इसमें शामिल करेंगे एक चाय का चम्मच साबित ज़ीरा और इनको ऑयल में फ्राई कर लेंगे अब जैसे ही आपको लगे कि थोड़ी देर के बाद प्याज पर कलर आना शुरू हो जाएगा तो उसी टाइम हम इसमें शामिल कर देंगे दो खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट भी प्याज के साथ साथ ही फ्राई हो जाए तो थोड़ी सी देर के बाद जब अदरक लहसन का पेस्ट भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा यहाँ पर आप देखें इनका कलर भी थोड़ा सा लाइट गोल्डन हो गया है इस टाइम हम इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके अब इसके नीचे हमने फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखना है जैसे कि दम वाली आँच होती है ताकि हमारा मिसाला जले नहीं एक बार इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें स्पाइसिस ऐड कर देंगे और अगर ज़रूरत हो तो पहले आप इसमें एक दो टेबल स्पून पानी भी शामिल कर दें ताकि मिसाला जले नहीं सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे डेढ़ चाय का चम्मच या हंसबाय का नमक एक चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डेढ़ चाय का चम्मच या हंसबाय का लाल मिर्च का पाउडर डेढ़ चाय का चम्मच धनिया पाउडर और आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं हल्की आंच पर इस तरह से टमाटरों को मैश करते हुए इसको एक आधे मिनट के लिए भून लेंगे बस यहाँ पर आपने मिसाले को जलने से बचाना है अगर आपको लगे कि मिसा जल सकता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया है एक दो टेबल स्पून पानी भी शामिल कर दें इसके बाद यहाँ पर मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो बकरे का गोश्त लिया है बोन्स के साथ लेकिन अगर आप इसमें ज़्यादा गोश्त शामिल करना चाहते हैं तो कड़ी की इतनी क्वांटिटी में आप एक किलो तक गोश्त भी शामिल कर सकते हैं और इसके अलावा मटन की जगह पर आप बीफ़ या चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो एक दो मिनट तक गोश्त को भी इस मिसाले में अच्छे से भून लेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें दही और बेसन वाला मिक्सर शामिल कर देंगे अब जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर इसको हमें हल्की आंच पर पकने के लिए रखना है एक से डेढ़ घंटा गोश्त को भी गलने में लगेगा और उतनी देर में साथ ही साथ कड़ी भी अच्छे से पक जाएगी अब यहाँ पर आपने ख्याल करना है कि कड़ी को पकने में कम से कम डेढ़ से दो घंटे लगते हैं इसलिए अगर हम इसको कम टाइम के लिए पकाएं तो कच्चे बेसन का टेस्ट आता है अगर गोश्त इसमें जल्दी गल जाए या अगर आप चिकन की कड़ी बना रहे हैं तो गोश्त के पीसेस पकने के बाद आप कड़ी में से निकाल लें और कड़ी को कंटिन्यू डेढ़ से दो घंटे के लिए पकने दें जब कड़ी पक जाए तो फिर आप दोबारा से गोश्त के पीसेस इसमें शामिल कर दें इसके अलावा पकने के दौरान आपने बीच बीच में से चम्मच भी चलाते रहना है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी नीचे भी लग सकती है यहाँ पर मैंने दो घंटे के लिए हल्की आँच पर कड़ी को पकाया है आप देखें गोश्त कितने अच्छे से गल गया है थोड़ी देर के लिए गोश्त के पीसेस मैंने इसमें से निकाल दिए थे ताकि वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाएं या घुल ना जाएं अब देखिए पकने के बाद जो कड़ी है वो कितनी स्मूथ सी हो गई है ये इसकी पकने की पहचान है अब इसके लिए हम एक तड़का तैयार करेंगे तो फ्राइंग पैन में लेंगे आधा कप ऑयल इसमें शामिल करेंगे एक चाय का चम्मच साबित ज़ीरा हल्का सा लाइट गोल्डन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे ज़ीरा जब हल्का सा लाइट गोल्डन हो जाएगा तो फिर इसमें शामिल कर देंगे एक चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और चार से पाँच साबित लाल मिर्चें मिर्चों को हमें ज़्यादा टाइम के लिए फ़्राई नहीं करना ये एकदम से जलने लगती हैं बस हल्का सा मिक्स करेंगे और फौरन से इस तड़के को हम कड़ी में शामिल कर देंगे थोड़ा सा इसमें सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला या भुना घुटा हुआ जीरा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं और लीजिए यहाँ पर हमारी जबरदस्ती मजेदार सी गोश्त वाली कड़ी बिल्कुल तैयार है सर्व होने के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी है ट्राई कीजिएगा यकीनन रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो बनता है साथ ही साथ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपसे इस तरह की नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो मिस ना हो रेसिपी को ट्राई करें तो फीडबैक देना भी बिल्कुल मत भूलिएगा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा दो भी याद रखिएगा थैंक यू फॉर अल्लाह हाफिज़